हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर चैनल लिटरेरी नोट्स सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फ़िल करना है ये डाउट हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स का आ चुका था तो हमने सोचा हम आपको एक एग्ज़ाम फॉर्म फ़िल कर कर दिखा देते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से बता सकें कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है सो ये डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप वीडियो को ध्यान से एंड तक देखोगे और स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ फॉलो करते रहोगे तो आपको आ जाएगा तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वे, शुरू करते हैं वीडियो तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे सबसे पहले हमें इग्नो की वेबसाइट पर जाना है तो जैसे ही आप इग्नू की वेबसाइट पर गए उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा वहां पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा लिंक फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन फॉर दिसंबर 2021 आपको उस पर क्लिक करना है देन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी गई है नीचे टिक बॉक्स है उसको आपको को टिक करना होगा जैसे ही नीचे डेक्लरेशन दी हुई है उसे आप टिक करोगे एंड नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म उसको क्लिक करना है आपको देन आपकी स्क्रीन खुल जाएगी नेक्स्ट उसके बाद आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया है प्रोग्राम कोड का तो जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो आपको सर्च करना है आप वहाँ जैसे यहाँ एम है तो एम लिख दिया नेक्स्ट आपको फ़िल करना होगा अपना एनरोलमेंट नंबर तो एनरोलमेंट नंबर डालोगे आप उसके बाद आपसे यहीं पूछा जाएगा कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन से रीजन में चाहिए तो आप यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना सेकेंडली यहीं पर ही मेंशन कर दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम की फ़ीस टू होगी तो टू पर कोड एग्ज़ाम फ़ीस रहेगी आपकी देन आपको सबमिट पे क्लिक करना है जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे देन आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी तो आप देखोगे यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी फ़िल्ड आएंगी कुछ कुछ जो भी आपका प्रोग्राम कोड होगा एनरोलमेंट नंबर और जो भी आपने रीजन सेलेक्ट करा होगा जो आपने अभी पहले स्टेप पे करा वो आपका प्रीफिल्ड आएगा एड्रेस वगैरह सब आपका प्रीफिल्ड आएगा एग्जाम सेंटर कोड भरना है अब यहाँ पे हमें बेसिकली कि आपको एग्ज़ाम कहाँ पर देना है तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे एग्जाम सेंटर कोड ऑप्शन आएंगे जो भी आपने रीजन सिलेक्ट करा होगा उसके हिसाब से तो ज़रूरी नहीं है जहाँ पे भी आपका स्टडी सेंटर हो आपका एग्ज़ाम सेंटर भी वहीं होगा आप कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर वो आपको डालना होगा तो जैसे ही आप ये डाल दोगे और अपनी डिटेल्स चेक कर लेना जैसे भी हैं देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जेंडर करना है ईमेल आईडी डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है तो ईमेल आईडी से वही डालना है जो रजिस्टर्ड है एंड मोबाइल नंबर जो आपके पास रहता है और वर्किंग कंडीशन में है देन उसके बाद आधार नंबर डालना ऑप्शनल है आप चाहो तो डाल सकते हो नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर हमें पहले ही पता चल गया था कि आपके एग्ज़ाम की कोर्स की फीस टू हंड्रेड रुपीज़ है तो जो भी यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स होंगे अपने आप भरे हुए आएंगे आपको ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना है एंड जितने भी आपको सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं वो आपको फिल करने होंगे यहाँ पर तो जैसे ही आप वन पे क्लिक करोगे आपका ऑप्शन आ जाएगा जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही आपने क्लिक किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमें सबके एग्जाम देने तो हमने सब भर दिए अब मेन पॉइंट आता है यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा आर असाइनमेंट सबमिटेड और विल बी सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर द अबव कोर्सेज तो आपको इस पर येस करना ही रहने देना है आपको इस पर नो नहीं करना है तो ये आपका यस ही रहेगा देन नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है सबमिट का आपको वो सबमिट पर क्लिक करना है देन वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा नेक्स्ट पेज होगा आपका जहाँ पर आपका एक पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने भरा होगा उसकी समरी आ जाएगी एक तरीके से आपको ये चेक करना होगा कि आपकी डिटेल्स सही है या नहीं क्योंकि यहाँ से आप बैक जाकर अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हो अब आप देखोगे नीचे मोड ऑफ़ पेमेंट आ रहा है और एग्जामिनेशन फीस आपकी लिखी आ रही है कितनी है तो आपको वो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जैसे हमने यहाँ पे छः कोर्ट्स भरे थे तो हमारी एग्जाम फीस बारह सौ रुपये बैठ रही है इसके बाद हमारा स्टेप रह जाता है पेमेंट करने का तो ये आप जब देख लोगे तो आपको पेमेंट के पेज पर पे रीडायरेक्ट कर देगा देन आपने देखा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आपको पे कैसे करना है तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आप जैसे भी कर सकते हो कर सकते हो पे इसको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन थ्रू जैसे आपको करना है वो आप पेमेंट कर सकते हो जब आप ये डिटेल्स अपनी फ़िल कर दोगे देन एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा आपके पास तो जो भी आपका कंट्रोल नंबर होगा उसका वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा उसे आप नोट करके लिख लेना कहीं पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है एंड उसके बाद एक बार 24 फोर आवर्स बाद चेक कर लेना आप सबमिशन के एग्जाम फॉर्म की कि वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं वैसे तो, तो एक्सेप्ट हो जाएगा कोई इशू नहीं आता है बट फिर भी कोई टेक्निकल ग्लिच ना हुआ हो तो बेटर रहेगा कि आप पहले से ही चेक कर लो तो यही है प्रोसेस इससे आप अपना एग्जाम फॉर्म भर पाओगे एंड यस मैं आपको एक न्यू चीज़ बताने वाली हूँ अब हम आपको प्रीवियस थ्री इयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी प्रीवियस थ्री इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होंगे हम उनकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं विथ सॉल्यूशंस तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं एंड सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ो तो क्वेश्चन पेपर्स तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे बट उसके सोल्यूशन हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं इसीलिए हमने कोशिश करी है कि आपके लिए प्रीवियस थ्री ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कंपाइल कर लें उसकी पी फ़ॉर्म हमारे पास अवेलेबल है तो आप वो हमारे से परचेज़ कर सकते हो एंड यस yes, अगर आपने अभी तक अभी तक अगर आपने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करे हैं तो आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं हमसे परचेस करके आपके स्क्रीन पर तीन नंबर्स फ्लैश कर रहे होंगे आप उन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं पीडीएफ सॉल्यूशंस खरीदने के लिए सॉफ्ट कॉपी खरीदने के लिए जो रेडी टू सबमिट होती है एंड हार्ड कॉपी के लिए आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं न्यू सेशंस के ऑर्डर्स भी हमने एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए हैं तो आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा तो आपको कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं हमारी आई है लिटरी और आप हमें मेल भी कर सकते हैं एट So thank you so much and take care.